नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज वीडियो जो लेकर आए हैं वो निमरा का वीडियो है और फिरौन नुमा जल्लाद ने ऊंट की टांग काट दी। जी हाँ, जब से ये खबर मैंने सुनी है, पढ़ी है, वो वीडियो देखा है, मतलब बड़ा गुस्सा आया मुझे उस आदमी पर, उस पाकिस्तान के आदमी पर, कि एक बेजुबान जो उसको नहीं पता ना कि किसी का खेत है क्या है, वो बेचारा खेत में चला गया, उसने उसकी टांग काट दी यार, उस बेचारे ऊँट के। वो ऊँट रो रहा था, वो ऊँट दर्द के मारे चीख रहा था, ये हालत, और वो वायरल हो गया। और कई लोग उसको इस्लाम का ठेकेदार बना के उसको उसका भी मजहबी उन्होंने निकाल लिया मामला। देखो तो भला हो भारत के किसी आदमी ने, वो काहे को भैया तुमसे नहीं हो रहा, हम भेजते हैं, हम मैं एक उसको आर्टिफिशियल पैर उसको भिजवाता हूँ, ये हालत। चलिए देखते पाकिस्तानी उस पर क्या कहते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सिंध के इलाके में एक बेजुबान जानवर ऊंट के साथ, कैमल के साथ बड़ी ज्यादती की गई है। एक टांग प्रॉपरली काट दी गई है, उस पर नो डाउट एक्शन भी हो रहा है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और मजीद एक्शन उन पर होगा। अब खबरों के मुताबिक ये पता लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेग इंडिया भिजवा रहा है, एक इंडियन आदमी है वो भिजवा रहा है ताकि ऊंट का इलाज अच्छे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेग या आर्टिफिशियल लिंब कहते हैं उसे, या हो सकता है कुछ उसमें टेक्नोलॉजी हो, आई डोंट नो, मे बी हो सकता है, से अच्छे तरीके से हो जाए और मजीद तकलीफ ना उठानी पड़े। बढ़ते हैं पाकिस्तानी आवाम की तरफ, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं पाकिस्तान की आवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं, वो रिकॉर्ड करेंगे, मिलेंगे वीडियो के एंड पे। सबसे पहले तो इंटरनेशनल तौर पर हमारी बड़ी समझ के तजलील भी हुई है पाकिस्तान की, और बहुत शर्म आई है। कोई सरदार है, कोई कहते हैं सिंध का ही ना, तो वो मेरे ख्याल में इसको घर से उठाना चाहिए रात के अंधेरे में, उसकी पूरा पैर काटना, जैसे उसका काटा है ना उसका भी पूरा पैर काटना चाहिए, ताकि उस खबीस के बच्चे को ये पता लगे कि जी ये कैसे ये काम गलत किया जाता है। और ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्र है। मैं तो आर्मी चीफ साहब को कहूँगा कि आपने बड़े बड़े काम डाले, इमरान खान को बचाया बड़ी बड़ी दूर, तो इस कंजर को भी उठा के लाएं और उसके भी इसकी भी टांग काटें। क्या मतलब लोगों में इंसानियत नहीं रही है, क्या क्या वजह क्या है? देखिए जानवरों पर जुल्म करना सबसे बुरी बात है। सिंध के अभी बकरीद गुजरी है और पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर शाहिद अफरीदी और वो सरफराज, वो भारतीयों को चिढ़ाने के लिए बैल लेकर आए, गाय लेकर आए, काटने को भैंसा भी काट सकते थे लेकिन बुल लेकर आए, गौवंश लेकर आए, समझ रहे ना। हमारे यहाँ भी लोगों ने काटे हैं, कोई बात नहीं, हिसाब सबका होगा, भगवान देख रहा है ना सबको, भगवान उसी हिसाब से करते। आप सोचो के बटेरे है ना, ये है ही जानवर, टोटल जानवर है ये इनको जरदारी अटैक कर, जरदारी ट्रैकर कर सकता है और सही किया ही जरदारी ने इनको ट्रैक है। ये नहीं तो ये सारे मेंटल हैं, पागल हैं। आप कराची चले जाएं, आपको सारे पागल नजर आएंगे, आप हैदराबाद चले गए आपको सारे पागल नजर आएंगे। यार ये क्या बात होती है, आप कराची वालों को पागल कह रहे हैं सारे के सारे, आप हैदराबाद वालों को, मतलब पाकिस्तानी हैदराबाद वालों को पागल कह रहे हैं सारे के सारे, मतलब आप उनको डिग्रेड कर रहे हैं। अरे कराची वालों, पाकिस्तानी हैदराबाद वालों सुनो भैया, लाहौर के भाई साहब क्या कह रहे हैं आपके बारे में, और ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये माइंडसेट है लाहौर वालों का, वो कराची वालों को कैसे देखते हैं। और ये बहुत जबरदस्त टक्कर चल रही है, जो कराची वाले हैं आप लोग कमेंट करके, अगर आप देख रहे होंगे कराची से तो आप कमेंट करके बताइए कि जो पंजाबी और कराची के सिंधी के बीच का जो टसल है वो कितना जबरदस्त है। ये जो पंजाबी हैं, मतलब पाकिस्तानी पंजाबी, वो सिंधियों को फूटी आंख नहीं सुहाते, वो गंद पड़ा हुआ क्यों क्यों करी जा रहे हैं, बोलने का इनको पता नहीं है, पहनने का इनको पता नहीं है। मैं कहता हूँ कसम खुदा की मजा नहीं आया, ये सारे पागल इकट्ठे किए हुए इन्होंने सिंध के आधे वो मामला, कि इनको चाहिए कि यार ये आप अल्लाह ने आपको दिया हुआ है तो आप जानवर है माफ़ कर दो यार, इसकी टांग काट दी यार, क्या जुल्म किया यार। सर ये तो अफसोसनाक, काफ़ी अफसोसनाक वाकया है,
जानवरों को कभी इस तरह से। वैसे मुझे अब ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के लोग इस टॉपिक पे बात करते हुए अच्छे नहीं लगते कि ऊँट की टांग काट दी तो जी बड़ा जुल्म हो गया, अब गाय की गर्दन काटते हो, अब भैंसों की गर्दन काटते हो, इनफैक्ट आप ऊँट की कुर्बानी करते हो, उनकी गर्दन काटते हो अपने हाथों से छुरे से, बकरों को पालते हो खिलाते हो उनको काट देते हो अपने हाथों से बच्चों के साथ, उसके बाद अगर कोई ये बात करता है ना कि मतलब, खैर समझिएगा आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन इसी में एक खबर मैं सुन रही थी कि इंडिया से टांग आ रही है उसकी। बिल्कुल वो भेज सकते हैं जी, वो तो इस टाइम हमारे हाथ से बाहर निकल गए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं जी, वो तो हर लिहाज से अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि जी हम अच्छे हैं, पाकिस्तान वाले बड़े जालिम हैं, देखिए हमारी अब वो हमारे पे अटैक कर रहे हैं ऐसे, ये बड़ा कि जी हम आपके हमदर्दियाँ दिखा रहे हैं, टांगे भेज रहे हैं जी, कभी वो कहते हैं जी हम बच्चों में ह्यूमैनिटी का मैसेज है ना, अच्छी बात है कि अगर वहाँ से टांग आ रही है। शर्म आती है ना जी, देखो हमारा इंडिया दोस्त तो नहीं बन सकता, फिर हम दोस्ती भी कर लेते हैं, दोस्त क्यों नहीं बन सकते। कर लो साहब, और आप लोगों की सोच बड़ी गंदी है यार, बड़ी गंदी सोच है आप लोगों की, स्क्रीनशॉट लगाता हूँ देखते चलिएगा। वो जो अफशा गुल जो लड़की थी जिसकी गर्दन टेढ़ी थी, जिसका फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इलाज किया, करोड़ों रुपए लगाए हमने, क्या हमने नीचा दिखाने के लिए किया उसका इलाज? क्या हमने नीचा दिखाने के लिए किया? अभी हाल ही में एक लड़की का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, यहां पे हमारे डॉक्टर ने उसका इलाज किया, हिंदू डॉक्टर ने उसका इलाज किया, क्या हमने वो किसी लालच में आकर किया, आपको नीचा दिखाने के लिए किया? शर्म आती है आप लोगों जैसी सोच पर। स्क्रीनशॉट लगा रहा, इतने पाकिस्तानी आते हैं कोई लीवर का इलाज कराने, कोई हार्ट का इलाज कराने, कोई कुछ का इलाज कराने, इतने पाकिस्तानी आए हैं बॉर्डर पार करके हमारे यहां, हमने उन सबका इलाज किया है, क्या हमने आपको नीचा दिखाने के लिए इलाज किया है? वो इंसानियत के लिए किया है, दुश्मन देश का होते हुए भी किया है, लेकिन आप लोगों को तो शर्म नहीं आती। इसी सोच का ये नतीजा है कि आप लोग आज जिस कंडीशन में, इस सोच का नतीजा है। हमने तो आपके लोगों की मदद की है, ये तो फिर भी जानवर है यार, वो नहीं बनते बनेगा ना, क्योंकि हमारे हथियार कहाँ बिकेंगे अमेरिका के। अच्छा। ये तो बड़ी लंबी बहस है। हाँ। बाकी ये कि हम तो चाहते हैं कि हम तो आपको सब पता, आप सब जानते पाकिस्तानी दोस्त मुल्क है, लेकिन जब ये ऐसी हरकतें होती है फिर हम क्या करें? हमारे पास कोई आता ही नहीं है ऑप्शन के, हम सोचें क्या। लेकिन ये अब एक अच्छी बात है कि अगर वहाँ से टांग आ रही है, ह्यूमैनिटी का मैसेज हो रहा है, तो हमें नहीं चाहिए कि आप जरा थोड़ी लीनियंसी हम लोग दिखाएं, आपस में नरम हो जाएं हम दोनों कंट्रीज। हम वेलकम करते हैं, पहले भी इंडिया के लिए हमारी बुरी सोच नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर जेनेटिकली तौर पर हमें मिले ही ऐसे है कि वो हमारा दुश्मन है, वरना हमें तो परवाह ही नहीं है, हम तो अपने मुल्क को संवारने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हम आपके दुश्मन है, दुश्मन बनाया किसने है? आप कहते हो दुश्मन है। 1947 में आपने अलग होने की बात कही, 1947 में आपने बंटवारा करने की बात कही, 1947 में आप उससे पहले से आप चला रहे हो कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, आपने अलग होने की बात कही, नफरत आपके अंदर थी। क्या हिंदुओं ने कहा कि हम मुसलमानों के साथ नहीं रहेंगे? क्या हिंदुओं ने कहा कि नहीं इनको अलग दे दो, इनको हटाओ यहां से? आप लोगों ने की, आप लोगों ने उस मुहिम की शुरुआत की, और आप लोग हमें कहते हैं कि दुश्मन हो। दुश्मन आपने बनाया हमें, दुश्मन आप मानते हो, हम नहीं मानते, क्योंकि नफरत के बीज आपने अपने अंदर बोए, हमने नहीं बोए थे। जाकर हिस्ट्री पढ़िए ढंग से, और हमें यह कहना बंद कीजिए कि हमने दुश्मनी पाली है। दुश्मनी बनाने वाले भी आप, दुश्मनी निकालने वाले भी आप, चार बार हम पर अटैक करने वाले भी आप। ये चूरन किसी और को दीजिएगा, या मैं बैठा हूं, ये चूरन चलने नहीं दूंगा। हमें तो नहीं, लेकिन वो जब आपको पता है 100 साल हो गए हमारी ये चल रही है, तो फिर साल नहीं हुए अभी वैसे 76 ईयर्स में है ना, तो वैसे तो 100 साल के करीब है ना। ये हमारे जो लोग हैं इस तरह की हरकतें करके पूरी दुनिया के अंदर क्या मैसेज देते हैं कि पाकिस्तानी लोगों के अंदर शऊर नहीं है? क्या ये मैसेज दे रहे हैं?
जानवर से तो भी नीचे चले गए ना हम, हमने जानवर से भी नीचे चले गए, हमने जानवर को की टांग काट के ये बताया कि हम जानवर से भी कुछ आगे के दिनिंदा चीज़ हैं, दिनिंदा चीज़ हैं हम, क्योंकि वो तो जानवर था, जानवर से आगे जिन्हें हमें चीड़ फाड़ा उसको, तो वो ऐसे हम दरिंदे हो गए, हम तो दरिंदे हो गए हम। थैंक यू। जानवर क्या चीज़ है जनाब, जब आपके यहाँ इंसानों के जान की कोई कीमत नहीं है, आपके यहाँ उन शिया मुसलमानों की जान की कीमत नहीं है जिनकी जानें मस्जिदों में धमाके में जाती हैं। हर दो चार महीने बाद पाकिस्तान से खबर आती है कि फलाने शिया मस्जिद ने उड़ा दिया, 10-20-50 शिया मुसलमान बेचारे मर गए। तो वहां पर जानवरों की बात करनी तो बेमानी है ना, जब इंसानों की जान की कीमत नहीं है, जब इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता, उन्हें मार दिया जाता है, अहमदिया बेचारे, क्या अहमदिया मुसलमानों को कहूँ, हिंदू सिख ईसाई घर जलाए जाते हैं, चर्च जलाए जाते हैं, मंदिर तोड़े जाते हैं, सिखों की बेटियों को उठा लिया जाता है, हिंदुओं की बेटियों को उठा लिया जाता है, क्रिश्चियंस की बेटियों को उठा लिया जाता है। तो कहाँ जानवरों की बात आप लोग कर रहे हैं, मुझे मतलब सुन के मुझे टेंशन हो रही है कि जहाँ इंसानों की कोई पूछ नहीं है वहाँ आप जानवरों की बात कर रहे हैं। आप क्या, वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा जुल्म है जानवरों पर, तो ये गैर अखलाकी हरकत है, उन्हें इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा जो है वो लोगों को नसीहत हो। बेजुबान जानवर पर जुल्म करना एक बहुत बड़ा जुल्म है, तो उसने जुल्म किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि जो दूसरे लोग हैं उनसे नसीहत हासिल करें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो आपने कहा है कि इंडिया से जो उनकी आर्टिफिशियल लेग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई लेग, वो उसकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैंने सुना है वो शायद कम उम्र जानवर है, छोटा, तो वैसे उसको सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। इंडिया की तरफ से एक ह्यूमैनिटी का मैसेज आ रहा है, अच्छी बात है, क्या नफरतें कम होनी चाहिए अब? वो तो होनी चाहिए, वैसे वो बेजुबान जानवर है, उस पर जुल्म हुआ है और उसके लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए ताकि आइंदा लोग इस तरह के जो वडेरे हैं वो उस तरह की हरकत ना कर सकें। जी आप क्या कहते हैं सर, ऐसी हरकतें करके हम दुनिया को क्या बता रहे हैं कि पाकिस्तानी आवाम इतनी जाहिल है? ऐसे तो बात तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स क्रूटली, अगर हम देखें बीइंग मुस्लिम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों के साथ इतनी ज़्यादा जुल्म नहीं करना चाहिए। पहली तो बात उसने जुल्म किया, जुल्म करना भी नहीं चाहिए था, ऐसा करना ही, अगर वो चला भी गया तो, अगर चला भी गया तो सजा के तौर पर ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि उसका काट ही दिया है टांग। अगर आप देखा जाए तो ये जानवर ऐसा है जिसको अगर उसकी पाँव काट दिया जाए तो वो चल नहीं सकता है, चल नहीं सकता, वो काम नहीं उसे यानी कि ले सकते हम, इवन कि अगर वो कुर्बानी के लिए भी है तो कुर्बानी उसकी नहीं हो सकती, और वैसे भी वो सवारी के लिए अब यूज़ नहीं हो सकता। खुद ही कह दी, टांग काट दी बड़ा जुल्म है जी, वो कुर्बानी भी नहीं कर सकते, जहाँ उसका गला काट दिया जाएगा उसकी जान ले ली जाएगी, खैर क्या कह सकते। जी मैं तो यही कहता हूँ कि जो जिस बंदे ने इसकी टांग काटी है ना, जो चौधरी है, उसकी दोनों टांगें काटी जाएं, और बाद में दोनों टांगें काटने के बाद उसको जेल में डाला जाए और उसको अच्छे तरीके से सजा मिले, ताकि दूसरे लोगों को इबरत हो कि हमने कभी ऐसा काम नहीं करना जानवरों के साथ। ठीक है, ये इबरत का निशान बनाना चाहिए इनको। दीनी लिहाज से कितना गलत काम किया उन्होंने? बहुत गलत किया है, दीन के हिसाब से तो बहुत गलत काम किया है, अल्लाह पाक भी नाराज़ है उस पर, और दुनिया वाले भी नाराज़ हैं, दुनिया भी इसी बात पर गवाही देती है कि ये जो भी काम उसने किया अच्छा नहीं किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। ऐसा काम करके दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें शऊर नहीं है, या हमें जानवरों के साथ सही सलूक नहीं करना आता, हम जाहिल है, क्या है ये? जहल लोगों का काम होता है, ऐसे पढ़े लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसा काम नहीं करते, ये जो जहल लोग होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। सिंध वाली यार अब नहीं सुना जा रहा मेरे से, अभी अभी बकरीद गुजरी है यार, गलियां नालियां लाल हुई पड़ी हैं, और जब वहां पे ऐसी बातें होती हैं तो हंसी आती है मुझे, अफसोस होता है कि ऐसी बात हो रही, नहीं जानवर पर जुल्म नहीं करना चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्या बोलूं मैं इस पे यार, क्या बोलूं मैं इस पे, छुरियां तेज की गई होंगी कल। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में इस पर बात नहीं होनी चाहिए, उसको सजा क्यों मिलनी चाहिए भाई, उसने क्या गलत क्या किया, उसने गलत क्या किया उसने, जब इंसान की जान लेने वाला, हिंदुओं पर जुल्म करने वाला, मंदिरों को तोड़ने वाला, हिंदू बच्चियों को मारने वाला, रोज खबरें आ रही हैं,
उनका कोई कुछ नहीं होता, तो एक ऊंट का काट लिया पैर तो क्या हो गया यार, उसके लिए शाम की बात है, ऊंट का पैर काटा उसने, उसके खेत में घुसा था, गुस्ताखी की उसने। ये जो बकरा मंडी लगी, बड़े बड़े बकरे लिए गए, ऊंट लिए गए, बैल लिए गए, गायें भी काटी गई, पाकिस्तान में भी, भारत में भी काटी गई, ऐसा नहीं है, सब खबर है, धीरे धीरे धीरे, ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त वक्त की बात है। उस समय बाद रिलीजियस हो जाएगी, नहीं हमारे दिन में तो हुक्म है और हम तो मानेंगे, ठीक है भाई मानो, तो फिर ऐसी बात मत करो ना, फिर आप एक ऊंट के लिए रहमदिली दिखा रहे हो, नहीं उसकी भी दोनों टांगे काट लेनी चाहिए और ये कर देना चाहिए, वो कर दिया, फिर ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आप बताएं कमेंट में आप क्या कहते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं और क्या बोलूं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद।